है, तो ये जो प्रोग्रेस वर्ड है वो प्रोग्रेस हमको कहाँ चाहिए? इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है? सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, फाइनेंशियल, ठीक है ना, पॉलिटिकल। तो हर स्फीयर ऑफ लाइफ में जब हम लोग को क्या चाहिए रहता है? एक प्रोग्रेस चाहिए रहती है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग उस प्रोग्रेस को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। क्यों जरूरी है डेवलपमेंट एक नेशन के लेवल पे? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। आई बात समझ में? तो इस चीज को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? डेवलपमेंट डिफाइन करते हैं। अब तुम्हारी एनसीईआरटी आगे बात करती है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है ना। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। नहीं, वेजेस जितनी देनी है तो गांव में इरिगेशन आना है, आए, नहीं आना है, नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये चीजें किन बंदों के लिए इंपॉर्टेंट है जो गांव में रहते हैं, ठीक है ना। उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अपनी लैंड होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी बेटर वेजेस रहेगी, तो हमका हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा। आई बात समझ में? जो फार्मर्स एग्रीकल्चर पे फुली डिपेंडेंट है वो बोलेंगे नहीं यार, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, ठीक है ना। जो अर्बन यूथ है, अर्बन यूथ यानी कि क्या, जो शहरों में रहने वाले यंग लोग हैं, वो क्या चाहेंगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहेंगे, या फिर हो सकता है अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिले। एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उनका कहने का, अब ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एक लैंडलेस लेबर को लगेगी क्या? नहीं भैया, घर में खाने को नहीं है बच्चा, लेकिन स्कूल में पढ़ाई अच्छी करे, नहीं। वो लोग बोलेंगे क्या, हमारा पहले रोटी कपड़े मकान वाली नीड तो फुलफिल हो, उसके बाद हम लोग आगे आगे एजुकेशन एजुकेशन की फालतू कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। अब वही वही जहां पर एक गर्ल डिमांड कर सकती है क्या? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, जिसको जो करना है करे। आ रही है बात समझ में? तो एक गर्ल डिपेंड करेगी, डिमांड करेगी क्या? फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वहीं पर लड़के बोलेंगे क्या, वो तो हमारे पास पहले से ही है, तो उसका क्या करेंगे? आ रही बात समझ में? जहां एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट बोलेंगे क्या कि हमको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमको अच्छी क्या चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, अच्छे डैम्स चाहिए, ठीक है। वहीं एनवायरमेंटल एंथुसियास्ट क्या बोलेंगे कि नहीं भैया, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, गांव के लोग बोलेंगे हमारे घर डूब जाएंगे, तो हमको रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। तो जहां एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट क्या डिमांड करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोलेंगे बहुत ज्यादा आप डैम्स बनाओ। वहीं क्या होंगे, जो रूरल पीपल होंगे वो क्या बोलेंगे कि नहीं यार, हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। रूरल पीपल या जो ट्राइबल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? अपने घर सहित खुद को पूरी की तरह, पूरी से क्या आना पड़ेगा? डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि डैम्स बने, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हर बंदे के डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं, और सबके डेवलपमेंटल गोल्स कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेशनल लेवल पे अपने कौन से गोल्स होते हैं? बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, इंक्रीजिंग इनकम्स, इक्वालिटी, ठीक है ना। इक्वालिटी हर सेंस में, जेंडर इक्वालिटी हो, इसके अलावा हाँ कास्टिज्म नहीं हो, रिलीजनिज्म नहीं हो, कम्युनिज्म नहीं हो, कम्युनलिज्म नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, इक्वालिटी इन ऑल सेंसेस, फ्रीडम, लेकिन इस फ्रीडम के साथ सिक्योरिटी नहीं, इस फ्रीडम के साथ सिक्योरिटी, ठीक है ना, रिस्पेक्ट फॉर लॉस, ठीक है ना, कि हमने आपको आजादी दी तो आप क्या करोगे? आप इतना भी इंश्योर करोगे कि लोग आपके द्वारा बनाए हुए लॉस की क्या करें? रिस्पेक्ट करें, उन लॉस को क्या करें? फॉलो करें, ठीक है ना। इसके अलावा इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये सारे पॉइंट दिखते एक जैसे, होते एक जैसे नहीं है। जैसे कि हमारे बहुत लोगों के पास बेइंतहा पैसा होता है, लेकिन 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 बहुत लोग डिप्रेशन में रहते हैं,
ठीक है ना, हमारे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई नहीं, बहुत सारे नेशन रहते हैं कमर्शियली बहुत अच्छे नहीं होते, रीजनेबल यू नो मनी होता है, बट वहाँ के लोग क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बोला हेल्थ पूरा हम लोग देखेंगे, आप टेंशन नहीं मत लो, भले कम कमाओ, क्यों, जिस दिन आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी तो आपका बिल कौन भरेगा, गवर्नमेंट भरेगी, एजुकेशन हमने पूरी हमारे अंदर कर दी, यानी कि आपको कोई करो जमा, आप कितना कमाओ कि आप खा पी सको, दैट्स ऑल, आ रही बात समझ में, तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक थिएटर्स कौन खोल देती है, गवर्नमेंट, पब्लिक गार्डन कौन मेंटेन करती है, गवर्नमेंट, और अच्छे से मेंटेन करती है क्या, हाँ, तो ऐसे में लोग क्या होंगे, पीपल वुड बी हैप्पी, क्योंकि उनको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं है, उनको सिर्फ क्या करना है, अपनी ग्रोथ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, और जब वो खुद सिर्फ खुद की ग्रोथ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, देश भी उनके साथ ग्रो करेगा, मैंने देखो सारे टेंशनों से फ्री कर दिया, तो क्या होगा, तुम्हारे घर वालों ने बोला बेटा कोई टेंशन मत करो, तुम तो अपने गोल्स परस्यू करो, तुमको घर की परिवार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में जब तुम ग्रो करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी ग्रो करेगा, सो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको बोलते हैं, सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरमेंट, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट, अब देखो एक जगह हम लोग बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की और एक तरफ बोल रहे हैं सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट की, क्या फर्क है दोनों में बेटा, जब हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम लोग नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमारे जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ भी लगी हुई है, हमारे जो बॉर्डर है वो चाइना तिब्बत के साथ भी लगी हुई है, या बांग्लादेश बेटा वहाँ नीचे संस्कृति में बेटा, तो नेशनल लेवल पे हमारी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि आसपास का कोई नेशन हमको आके एनेक्स ना कर जाए, और दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज है यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी, यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी मतलब क्या, जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इनसाइड जो रेप्स हो रहे हैं, वो सारी चीजें क्या हो, इंटरनली कंट्रोल रहे, आपके देश के सिटीजंस आपके देश में रहकर क्या करें, खुद को सेफ फील करें, तो ये सारे क्या होते हैं, नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, ओके ठीक है, जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं बेटा तो सिंपल सी बात है, एक देश के सारे लोग मिलकर जितना कमा रहे हैं वो उस देश की क्या हो जाती है, नेशनल इनकम, ठीक है, तो सम ऑफ द इनकम्स ऑफ, सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ऑल द सिटीजंस लिविंग इन अ कंट्री, ऑल द सिटीजंस लिविंग इन अ कंट्री, ठीक है ना, कौन से सेक्टर में, इन डिफरेंट सेक्टर्स, इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, इन डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो सारे सेक्टर्स मिलाकर, सारे सेक्टर्स मिलाकर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, और इसी का एक अलग फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, कि हर बंदा आपके देश में ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है, दैट इज योर पर कैपिटा इनकम, ठीक है, कैपिटल होता है क्या, कैपिटा, ठीक है, लोग हमारे देश में दिन का 100 रुपया 200 रुपया ही कमा पा रहे हैं, बहुत लोग करोड़ दिन करोड़ में भी कमा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सिर्फ एक जनरल एवरेज बताता है आपके देश की नेशनल इनकम का, जिसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ओके, पर कैपिटा इनकम किस बात के लिए जरूरी होती है बेटा, इसलिए जरूरी होती है कि आपको पता चलता है कि आपके देश में एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा हो सकता है नहीं, हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग टोटल एवरेज इतना कमा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो पर बंदे के पास इतना तो होना ही चाहिए, हालांकि ये बहुत वेक तरीका है कैलकुलेशन का, बट इट इज अ वे, ओके, अंदाज़ है वो है कि आपका नेशन किस तरह का नेशन है, डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है,
ठीक है, तो हमारे एंड पे क्या होता है, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक अपना एक क्राइटेरिया देती है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं दैट वेदर अ नेशन इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, ठीक है ना। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है वो कंट्रीज जहाँ की पर कैपिटा इनकम 4,63,000 से ज्यादा है वो अपने आप में क्या है, डेवलप्ड है, और जिनकी 37,000 से कम है वो क्या है, लो इनकम कंट्रीज है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक कौन सी डेवलप्ड या फिर हाई इनकम नेशंस, और दूसरी क्या अंडर डेवलप्ड या फिर लो इनकम नेशन। हाई इनकम में बेटा कौन आता है, हाई इनकम में आता है 4,63,000, ठीक है ना, 4,63,000 का पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और लो इनकम में कौन आता है बेटा, 37,000 की पर कैपिटा इनकम, मतलब दिस शुड बी मोर देन और 37,000 या उससे कम, मतलब इन दोनों के बीच में जो इनका डेवलपिंग वो है डेवलपिंग कहलाती है। और अगर हम इंडिया की बात करें आज से 10 साल पुराने डेटा की, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम आती है वो आती है ₹28,000, यानी कि इनके हिसाब से तो हम लोग क्या है, अंडर डेवलप्ड नेशन है। अब 2 मिनट दे रही हूँ, ठीक है। बुक के अमेंडमेंट्स के हिसाब से बेटा ये जो फिगर्स हैं ये थोड़े से चेंज कर लो, यानी कि जो हम लोगों ने 4,63,000 करा है उसको कर लो 12,236 डॉलर्स, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा, ये कहाँ का है, ये 2016 का क्राइटेरिया है ना, और ये पुराना क्राइटेरिया है, इसे इसको इग्नोर मार देना, ठीक है ना। वैसे ही बेटा जो यहाँ दिया हुआ है इसको याद करना, $1,005 एज पर द न्यू क्राइटेरिया, ठीक है ना। और इंडिया जो है वो अब आती है मिडिल इनकम कम कंट्रीज में, जिसका कितना है US डॉलर कितने, 1,840 पर, अब डेवलपमेंट में आ गई है, ठीक है, एज पर द न्यू क्राइटेरिया। तो ये थोड़ी सी छोटी सी चीज याद रखना काम आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले कहानी करेंगे हम लोग किसकी, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की, ठीक है ना। तो जब हम लोग इन्फेंट मोर्टैलिटी की रेट की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, ठीक है ना, तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्या बताता है, इन्फेंट मतलब कौन होता है, वो बच्चा जो 1 साल से कम है, मोर्टैलिटी मतलब डेथ, ठीक है ना। तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट किस चीज को बोलता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1,000 लाइव बर्ड्स, ठीक है, एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1,000 लाइव बर्ड्स, ठीक है ना, इन एन ईयर। मतलब अगर मैंने बोला कि हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट 50 है, मतलब इस साल जो 1,000 बच्चे पैदा हुए उसमें से 50 क्या हुए, अंडर द एज ऑफ 1, उनकी डेथ हो गई, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है, तो दैट इज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, ठीक है ना। फिर दूसरा रेट आता है बेटा लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब क्या, कितने पढ़े लिखे लोग आपके देश में मौजूद हैं। तो हम लोग जब लिटरेसी रेट को डिफाइन करते हैं, जब हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, लिटरेसी रेट, तो बेटा इंडिया में लिटरेट वो बंदा होता है हु इज एबल टू रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज विथ अंडरस्टैंडिंग, नहीं रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ अंडरस्टैंडिंग। तुम बोलोगे यही लिखा हो, हमको पढ़ने नहीं आता, ठीक है, इसलिए बोला नहीं एनी लैंग्वेज है विथ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो लिटरेसी रेट क्या डिफाइन करता है बेटा, लिटरेसी रेट प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन
ठीक है, इन द सेवन एंड अबव एज ग्रुप. कहने का मतलब क्या है कि 7 साल से छोटे बच्चों से तो पढ़ाई अपन एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है ना. लेकिन अगर आप 7 साल के ऊपर हो तो यू शुड बी एबल टू रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज. तो आप क्या कहलाओगे? लिटरेट कहाओगे. और जो तीसरी चीज होती है उसे हम लोग कहते हैं, जो तीसरी चीज हमें समझनी है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो. नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या होता है? वो बच्चे जो स्कूल अटेंड करते हैं, वो बच्चे जो कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, इन द एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 years attending school as a percentage of total children in the same age group. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 14 से लेके 15 साल तक हमारे देश में 1000 बच्चे हैं, और 1000 में से अगर क्या हो रहा है, 400 अटेंड कर रहे हैं स्कूल, मतलब क्या 40% हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो है. ठीक है, ठीक है. ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, जो मनी कैन नॉट बाय, इसके लिए आपकी गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सोसाइटी लेवल पे कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, कौन कौन सी? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये आपको मनी नहीं खरीद के दे सकता. अनअडल्टरेटेड मेडिसिन एंड फूड आपको मनी नहीं दे सकता. स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं दे सकता. प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये जो है ये इंडिविजुअल लेवल पे आप कितने भी एफर्ट कर लो काम नहीं आएंगे. इसके लिए आपको क्या चाहिए रहता है? कम्युनिटी एफर्ट चाहिए रहता है. ये सारी चीजें कैसी होती है? कलेक्टिवली होती है, अलोन नहीं होती. दीज आर टू बी टेकन केयर कलेक्टिवली, ये एक बंदे का काम नहीं है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमें क्या रखना है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में ध्यान रखना है. सबसे कम कहाँ पर है? केरला में. सबसे कम केरला में क्यों? एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिकॉज ऑफ द थ्री रीजंस. कौन कौन से? पहला, अच्छे एजुकेशन प्रोविजंस वहाँ पर है, अच्छे हेल्थ प्रोविजंस वहाँ पर है, और तीसरा वहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है. और क्योंकि वहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है तो हर बंदे के पास एक्सेस है टू व्हाट? गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड. आ रही बात समझ में? हाँ, हाईएस्ट यूपी बिहार में होगा. ठीक है, अब ये जो हमने सारी कहानी पढ़ी, हम लोगों ने बोला पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, तो जो चीजें बिना पैसे के हम लोग को क्या करनी है, मैनेज करनी है, जो हमारी गवर्नमेंट के एंड पे कुछ बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, उसके लिए UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, उन्होंने क्या करी थी, एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली थी. HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने निकाली थी? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UN. तो तुमको समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, सो एज पर दिस रिपोर्ट अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, इन लोगों ने क्या करा, लोगों को 3 लेवल पे क्या करा, जज किया. कौन कौन से? उनके एजुकेशन लेवल पे, उनके हेल्थ स्टेटस पे, और उनकी पर कैपिटा इनकम पे. कौन से बेटा? एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, और तीसरा पर कैपिटा इनकम. ठीक है, तो एजुकेशन उन्होंने कैसे मेजर करी बेटा? लिटरेसी रेट से. एजुकेशन में से कैसे मैसेज करी, स्टडी करी उन लोगों ने? लिटरेसी रेट से. ठीक है ना, हेल्थ कैसे मेजर करी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे क्या लगता है मैं कितने साल जी जाऊँगी, कि हमारा एनवायरनमेंट इतना हेल्दी और इतना सेफ है कि यहाँ का एवरेज बंदा इस देश का कम से कम 60 साल तो जी ही लेता है. और तीसरा है पर कैपिटा इनकम. तो इन 3 बेसिस पे ये लोग सारे नेशंस को क्या करते हैं, करा था इन लोगों ने, रैंक किया था
कि एज पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हम लोगों ने क्या करा, एक HDI बनाया, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे इसने क्या करा, सारी कंट्रीज को क्या कर दिया, रैंक कर दिया, इसकी रैंक इतनी, इसकी रैंक इतनी, इसकी रैंक। ओके, इंडिया की 131। चलो अब यहां पर मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ, फटाफट लिखना है, लिख लो, फोटो खींचना है खींच लो, बिकॉज मीटिंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है।